गार्लिक नान है, इसके साथ खाएं तो मजा आएगा। चावलों के साथ खाएं, गार्लिक नान के साथ खाएं। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन। इसके लिए सबसे पहले मैं मैरिनेशन करूँगी ये चिकन के साथ। इसकी ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं, वो हैं 1/2 kg मैंने लिए बोनलेस चिकन, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 teaspoon योगर्ट, 1 teaspoon ग्रीन सॉस, नमक टू द टेस्ट लेकिन मैंने 1 teaspoon लिया है, 1 teaspoon काली पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 teaspoon टर्मिक हल्दी, 1 teaspoon गरम रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर। अब हाँ जी, ये मैं इसके लिए जो चिकन है उसको मैरिनेट करने लेंगी। पहले अदरक लहसुन पेस्ट, योगर्ट, इसके साथ ये ग्रीन सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, टर्मिक हल्दी, रेड चिली, गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें और तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मैंने रख देना है मैरिनेशन के लिए। ये बटर चिकन जो बना रही हूँ उसकी ये ग्रेवी है। ग्रेवी के लिए जो चीज़ें चाहिए, इसमें मैंने लिया 3 टेबल स्पून बटर, 1/2 onion लिया उसको मैंने रफली चॉप कर लिया, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया टमाटो सॉस, ये क्रीम है, अदरक लहसुन टीस्पून, 1 teaspoon अदरक लहसुन, इसमें जो मसाला जा जाएंगे इसमें मैंने लिया है 1/2, क्योंकि नमक जो है वो मैंने उसमें पहले डाला हुआ था इसलिए मैं कम डालूंगी, ये मैंने 1/2 से भी कम लिया है ये नमक, ये 1/2 मैंने ये भी लिया है रेड चिली पाउडर, ये भी मैंने भर भर के नहीं ली, ये मैंने कम ली क्योंकि मैंने जो मैरिनेशन की है उसमें मैं डाल चुकी हूँ, ये शुगर है 1 teaspoon, ये ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon, कसूरी मेथी 1 tablespoon, ये गर्म मसाला पाउडर 1 teaspoon, ये सारी चीज़ें। अब इसकी तैयारी की तरफ, ये मैंने ऊपर ऑयल रख दी था गर्म होने के लिए, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने ये जो चॉप्ड ऑनियन है ये ऐड करनी है, इसको थोड़ा सा बस फ्यू मिनट्स के लिए इसको बस सोते करना है। अब इसके अंदर मैंने ये अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ऐड की, ये मैंने जो ऑनियन था उसको थोड़ा सा ग्राइंड किया है और ये मैं डाल दूँ इसमें मसाले, ये टमाटर प्यूरी जो है वो इसमें, ये
बटर, हाँ जी ये मैंने जो मैरिनेशन किया था ये बोनलेस चिकन 30 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैंने फ्राई करना है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच जो ना डाला है ऑयल, और ये मैंने इसको चिकन को करना है पकाना है। ये अब तकरीबन डन हो रही हैं, देखो अब मैंने इसको उसमें शिफ्ट करना है ग्रेवी के अंदर। ये इसकी वो ग्रेवी है बटर चिकन की, इसके अंदर अब मैं ये ऐड करूंगी ये जो चिकन था। इसके अंदर आप ये जो मसाला जाता है ये डालेंगे। ये अब मैंने सारी चीजें इसके अंदर डाल के मिक्स कर ली हैं। अब थोड़ा सा बटर इसके अंदर मुझे ऐड करूंगी। ये बटर चिकन रेडी हो गया, अब इसके अंदर मैं ये कसूरी मेथी जो है ये ऐड करूंगी। थोड़ा सा बटर, ये मैंने रेडी कर लिया। मैं ये डिश आउट कर रही हूँ तो आपके सामने डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने की थी बटर वाली ये मैं ऊपर रखूंगी। क्रीम कसूरी मेथी ये गार्लिक नान है, इसके साथ खाएं तो मजा आएगा। चावलों के साथ खाएं, गार्लिक नान के साथ खाएं। ये लीजिए।